जय श्री कृष्णा दोस्तों, आर्यवर्त की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर क्यों एक राजा को गर्भ धारण करना पड़ा, चलिए जानते हैं। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारे आज के ज्ञान की तुलना में कहीं उच्च था। विज्ञान के जिन चमत्कारों को देखकर हम आज हैरान होते हैं, वो चमत्कार तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कर दिए थे। जैसे कि पुरुष द्वारा गर्भ धारण कर संतान को जन्म देना, आज हम आपको श्री राम जी के पूर्वज राजा युवनाश्व की कहानी बताएंगे, जिन्होंने स्वयं गर्भ धारण करके अपने संतान को जन्म दिया था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट राजा मानधाता के नाम से प्रसिद्ध हुई। रामायण के बाल कांड अंतर्गत गुरु वशिष्ठ द्वारा भगवान श्री राम के कुल वर्णन किया गया, जो इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप के पुत्र थे विवस्वान, विवस्वान के पुत्र थे वैवस्वतनु, जिनके 10 पुत्रों में से एक का नाम इश्वांकु था। राजा इश्वांकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और उन्होंने ही इश्वांकु वंश को स्थापित किया। इसी वंश में राजा युवनाश्व का जन्म हुआ, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। वन में अपने निवास के दौरान उनकी भेंट महर्षि भृगु के वंशज च्यवन ऋषि से हुई। च्यवन ऋषि ने राजा युवनाश्व के लिए इष्ट यज्ञ किया ताकि राजा की संतान जन्म ले। यज्ञ के बाद च्यवन ऋषि ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रखा, जिसका सेवन राजा की अर्धांगिनी को करना था ताकि वह गर्भ धारण कर पाए। राजा युवनाश्व की संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से हुए यज्ञ में कई ऋषि मुनियों ने भाग लिया और यज्ञ के बाद सभी थकान की वजह से गहरी नींद में सो गए। अर्धरात्रि के समय जब राजा युवनाश्व की नींद खुली तो उन्हें भयंकर प्यास लगी। युवनाश्व ने जल के लिए बहुत आवाज लगाई, लेकिन थकान की वजह से गहरी नींद में सोने के कारण किसी ने राजा की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में राजा स्वयं उठे और जल की तलाश करने लगे। राजा युवनाश को वह कलश दिखाई दिया जिसमें अभिमंत्रित जल था। इस बात से बेखबर कि वह जल किस उद्देश्य के लिए है, राजा ने प्यास की वजह से सारा जलपान कर लिया। जब इस बात की खबर ऋषि च्यवन को लगी तो उन्होंने राजा से कहा कि उनकी संतान अब उन्हीं के गर्भ से जन्म लेगी। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया, तब देवी चिकित्सकों अश्विन कुमारों ने राजा युवनाश्व की कोख का चीर कर बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे के जन्म के बाद यह समस्या उत्पन्न हुई कि बच्चा अपनी भूख कैसे मिटाएगा। सभी देवतागण वहां उपस्थित थे। इतने में इंद्रदेव ने उनसे कहा कि वह उस बच्चे के लिए माँ की कमी पूरी करेंगे। इंद्र ने अपनी अंगुली शिशु के मुंह में डाली, जिसमें से दूध निकल रहा था, और कहा, मम दाता, अर्थात मैं इसकी माँ हूँ। इस वजह से उस शिशु का नाम मम दाता या मान दाता पड़ा। यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।